हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड ब्लॉगर। चलिए गाइस, करते हैं गाड़ी को क्लीन। पाइप हो गया है ऑन, जबरदस्त क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। और बहुत तेज़ पानी डालना पड़ता है, झटके से रुक के पानी नहीं डाला जाता इंजन के पास, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वायरिंग होती है, जहाँ पे पानी अगर चला गया तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। बोनट के नीचे का मामला भी हो गया है क्लीन अप। चूहा जो बेसिकली जहाँ से आसानी से आता है वो ये एरिया है। ये देखिए डैशबोर्ड के नीचे ग्लोव बॉक्स, इसको ओपन किया और नीचे आप यहाँ पे देखिए, ये जो फिल्टर लगा रहता है इसको अगर निकालेंगे तो चूहा इधर से घुस के और अंदर यहाँ सारी चीज़ें फंसा देता है। और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है कि चीज़ें ले जाके वेंट में फंसा देता है। तो एक तो ये है और दूसरा ये जो होल आप देख रहे हैं, ये कंपनी ने पता नहीं क्यों दिया, इसका मुझे को मतलब नहीं समझ में आता। अगर वायर यहाँ से गया भी था तो इसको क्लोज़ कर देते, जैसे ये सारे छेद क्लोज हैं। तो थ्रू आउट इधर से हो के यहाँ पे आता है चूहा, फिर इधर ये जो लॉक है यहाँ एरिया, यहाँ पे सारे कागज़ इसने लगाए थे, तो ये पूरा सब यहाँ पे तहस नहस कर रखा था इसने, बहुत ज़्यादा पॉटी और हर चीज़। तो ये सब क्लीन हो चुका है ऑलरेडी, आपको दिख रहा है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने शॉप पे क्या पता किया था उस बंदे से, जो उसने बताए थे कि आप कैसे ये प्रिकॉशन ले सकते हैं और चूहे का आना रोक सकते हैं। तो मैंने उसके बाद कुछ रिसर्च भी किया, कुछ गूगल भी किया, इंटरनेट पे देखा, तो पता ये लगा कि जो वो एक जाली लगाने के लिए कह रहा था, वो एलुमिनियम की या किसी चीज़ की मेटल की जाली होती है, तो एसी वेंट के पास जहाँ पे मैंने आपको दिखाया और पीछे जहाँ पे वो कह रहा था कि होल खुला हुआ है एज अ डक्ट वहाँ पे, तो वो ऐसा कुछ कारगर है नहीं कि चूहों को और भी जगह आने की। इंजन के नीचे पूरा खुला रहता है अमूमन सारी गाड़ियों में, तो आप चूहों को नहीं रोक सकते इस तरीके से। ऑलमोस्ट पूरा एरिया नीचे ओपन है, तो चूहे को ज़रा सा सपोर्ट चाहिए, वो पूरी गाड़ी में ट्रैवल कर सकता है अगर एक बार अगर वो अंदर आ गया तो। तो वो बेसिकली करने के लिए क्या कह रहा था कि यहाँ से ओपन करके और डैशबोर्ड ओपन करके अंदर कहाँ फिल्टर के पास, होस के पास, तो वहाँ पे जाली लगा देगा, और पीछे ट्रंक में कह रहा था जाली लगा देगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने रिसर्च करके गूगल करके निकाला है, 3M का रॉड एंड रेपेलेंट आता है एज अ स्प्रे, और वो इन्फ्लेमेबल नहीं है, सिक्योर है। तो आप उसको ऑल ओवर द इंजन, जहाँ पे होस पाइप है, एसी का फिल्टर है, पाइपलाइन है, पीछे ट्रंक में आपको कहीं छेद दिख रहा है जहाँ से आपको पॉसिबिलिटी लग रही है कि चूहा आ सकता है या कुछ, तो आप उसको स्प्रे करिए और वो लॉन्ग लास्टिंग है, उसको जल्दी जल्दी स्प्रे नहीं करना रहता, जाइए उसको जाके लीजिए। मैं भी अभी तक मैंने लिया नहीं है, मैं उसको लेने वाला हूँ। कुछ ओपन ऐसे पार्ट्स हैं वहाँ पे डायरेक्ट स्प्रे ना करिए, तो जहाँ जहाँ आप स्प्रे कर देंगे उससे चूहा जो है फिर अंदर नहीं आ पाएगा। और पीछे ऐसे ही ट्रंक में आप जहाँ पे आपको लग रहा है या इंटीरियर में कहीं, तो आप उसको लगा सकते हैं। बाकी फाइनली जब परचेज़ कर लूँगा यूज़ करके, उसका भी मैं एक फ़ीडबैक दूंगा आप लोगों को। तो फाइनली ये प्रोसेस हुआ पूरा। तो गाइस, ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, अलविदा लेने का टाइम आ गया है, और अपना प्यार ऐसी मोड ब्लॉगर को देते रहिएगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूँगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशनल ब्लॉग अच्छा लगा होगा जो मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी, और मोड ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जाके जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने का मौका मिलता है। टिल देन गुड बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। टाटा, बाय बाय।